नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर विशाल पर। आज हम वाटर टैंक में टैंक निप्पल लगाने के लिए होल करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। होल करने के लिए ग्राइंडर, कॉर्बिट, रिंच, GI का सॉकेट एक आधा का और टैंक निप्पल CPVC 1 इंच, टेफ्लॉन टेप और हेक्सा ब्लेड और टेप। सबसे पहले हम जहाँ पे हमें होल करना है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये अपना मार्किंग हो चुका है। ग्राइंडर कॉर्बिट की सहायता से होल करने वाले हैं। ये कॉर्बिट 0.5 इंची, 1 इंची, आधा इंची में मार्केट में उपलब्ध हैं। कॉर्बिट की सहायता से होल जल्दी निकल जाता है। जहाँ पे हमने होल किया है वहाँ पे हमें अच्छे से सफाई कर लेना है, वरना टैंक निप्पल से पानी लीकेज होगा। इसे अंदर भी साफ करना है। इन छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से टैंक निप्पल के नीचे से काफी बार पानी लीकेज हो जाता है। ये अपना टैंक निप्पल लगाने वाले हैं। हमें इस तरह से नहीं लगाना है क्योंकि हमें सॉकेट लगाना है GI का। हमें इसे नीचे की तरफ और ये चूड़ियाँ बाहर की साइड में रखनी है, जैसे आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से हमें टाइट कर देना है रिंच पाने की सहायता से। अब यहाँ पे टैंक निप्पल की चूड़ियों पे हम टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर बार नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। टेफ्लॉन टेप अच्छे से लगा देना है। अब यहाँ पे हम GI का एक आधा का सॉकेट लगाएंगे। इसे भी हम रिंच की सहायता से टाइट कर देंगे। यहाँ पे हम PVC का बिप कोप लगाने वाले हैं। इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना ये इसकी चूड़ियाँ फ्री हो सकती हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, अब अंदर से टैंक निप्पल का सॉकेट वाला मुंह हमने अंदर की साइड में कर दिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।